हैं गौतम भाई, जिन्होंने मऊ शाहगंज रूट पर पड़ने वाले सराय रानी रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का वीडियो बनाकर हमें भेजा। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का काम शुरू हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पिछले हफ्ते रोक दिया गया था क्योंकि ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया था और उनका भुगतान नहीं हुआ था, जिस वजह से आगे का काम नहीं हो पाया। तो अब नया ठेकेदार आया है और फिर से काम शुरू हो गया है। सराय रानी रेलवे स्टेशन सामने आप देख सकते हैं, उसके आउटर से इस वीडियो को गौतम भाई ने बनाकर भेजा है। गौतम भाई का कहना है कि अब यहाँ पर तेज़ रफ्तार से काम चलेगा, आप मज़दूरों की संख्या भी देख सकते हैं और इस समय थोड़ा सा मौसम खुला हुआ भी है, धूप भी बहुत तेज़ है और देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीली टोपी भी लगाए हुए हैं जिससे कि धूप का ज़्यादा असर ना हो। तो अब संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि इस साल के अंत तक आज़मगढ़ से शाहगंज के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि CRS स्पीड ट्रायल भी इस साल के अंत तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि जनवरी अगले साल 2022 में लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगेंगी। तो बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली बात है कि एटलीस्ट अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम फिर से शुरू हो गया। देख सकते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए मशीन, इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम करने वाले उपकरण भी यहाँ पर आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो बहुत बड़ी खबर गौतम भाई ने दी है। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपको अभी और भी आगे का नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ से नज़र डालिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स। तो मास्ट के ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं जो सिंगल वायर हैं वो अभी लगाए गए हैं और जो कमी रह गई है तो ऊपर चढ़कर काम को अंजाम दिया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो नया ठेकेदार आया है वो तेज रफ्तार से काम करा के देगा, यानी कि सराय रानी रेलवे स्टेशन से शाहगंज के बीच में जो वायरिंग का काम बचा हुआ है और कई जगह मास्ट डालने का काम बचा हुआ है, तो इन सबको 2 महीने में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो मास्ट के ऊपर वर्कर्स चढ़े हुए हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। TBEA कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।